चलो बच्चे खुद बोलो मैं क्या डायरेक्शन लूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा इधर, कोई बोलेगा नहीं, एक मिनट, कोई कोई रिपीट नहीं करेगा, जिससे मैं कहूंगा वो खुद बताएगा। शशांक बोलो क्या डायरेक्शन लूं, क्या 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 वैल्यू लूं बताओ, किसको क्या लूं, यहाँ इसे राइट लूं लेफ्ट लूं, इतना मत सोचो यार कुछ भी बोल दो। हाँ क्या ले लूं, कुछ भी ले लूं, ए बी सी डी ई एफ, इधर जिससे बोला जाएगा सिर्फ वही बोलेगा, बताओ अच्छे आप बताओ, मैं 30 हूं मैं क्या डायरेक्शन लूं, इधर लूं या इधर लूं, इधर ठीक है कोई दिक्कत, इसको क्या वैल्यू लूं, आई वन ले लूं, आई टू ले लूं, आई मान लो क्या मानूं, आई वन मान लो, आई क्या आई ले लिया, ठीक है इसके अंदर इधर इसकी किधर लूं बच्चे बताओ, लेफ्ट ले लूं, क्या लूं वैल्यू, आई वन, देखो बच्चों बोर्ड पे इधर देखो, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ सबका ध्यान बोर्ड पे होगा, शशांक इधर देखो, अगर मैंने एक बच्चे ने कहा सर इसकी वैल्यू आई ले लो, इसकी वैल्यू आई वन ले लो, उस हिसाब से इस वाली ब्रांच में जो करंट होगा, क्योंकि यहां दोनों करंट आके मिल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आई वन प्लस आई, क्योंकि जितना आता है उतना जाता है, यहां पे दोनों से आ रहा है तो इतना दोनों यहां से जाएगा, तो यहां पर स्टार्टिंग में मैंने क्या लगाया, जंक्शन रूल लगाया, क्या लगाया, जंक्शन रूल, कोई डाउट किसी को, अब देखो बच्चे मुझे पता है यहां पर दो अननोन है, मुझे एक की वैल्यू चाहिए, बट फिर भी इक्वेशन दोनों ही लगेंगी, कारण क्या है, क्योंकि अननोन कितने, दो, क्या क्या अननोन है हमारे पास बोलो, आई एंड आई वन जो है वो अननोन है, तो इक्वेशन फिर भी कितनी लगेंगी, दो ही लगेंगी, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन के लिए हमारे पास कितने लूप्स हैं, हमारे पास फिलहाल तीन लूप्स हैं, तीन लूप हैं, एक ये लूप और एक ये छोटा लूप, ये और बड़ा लूप, चलो बच्चे हम पूछते हैं, ऋषि बताओ बच्चे कौन सा लूप लूं, सर ए बी डी ई ले लो, एक मिनट रुक जाओ बच्चे मौका दो, ए बी डी ई, दूसरा, और दूसरा ले लो ई डी सी एफ, ई डी सी एफ ई, ठीक है अच्छे ले, ये लूप ले लूं, तो इस बच्चे ने कहा सर दो लूप ले लेते हैं, अब भाई लूप में मेरी मर्जी भाई कहीं से भी चले, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज किसी भी पॉइंट से चल सकते हैं, कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, तो चलो बच्चे एक काम करते हैं, एक तो ये लूप बोला इस बच्चे ने ई डी सी एफ ई, ई डी सी एफ ई, तो हम मान लो यहीं से यहां चलते हैं, चलो अगर मैंने ई से डी चलना चालू किया तो क्या पड़ा रस्ते में, रजिस्टर पड़ा, रजिस्टर पड़ा, इस पूरी ब्रांच में, इस पूरे के पूरे रीजन में कितना करंट है, आई आई रहेगा पूरे में, इस पूरे में कितना रहेगा, आई वन प्लस आई, तो चलो भाई चलना चालू किया, ये पड़ा मेरे पास, इसका पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर, हो गया पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूं और करंट मेरे सामने से आ रहा है, अपोजिट से आ रहा है, तो साइन के हिसाब से, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक मत ढूंढ लेना, कहीं कोई कोई कहे सर इस वजह से, लॉजिक नहीं, साइन के हिसाब से इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, फिर हम आगे बढ़े, कोई डिवाइस है नहीं, कोई डिवाइस है नहीं, फिर मैं यहां आया, अब मैं बैटरी से गुजर रहा हूं, मैं बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव गुजर रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बुरे से अच्छा, बुरे से अच्छा होना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, तो ये क्या हो गया प्लस 20, ठीक है, अब मैं इससे गुजर रहा हूं, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई वन इंटू 20 प्लस या माइनस, माइनस, क्योंकि मैं इधर जा रहा हूं, करंट भी इधर ही जा रहा है, और मैं वापस फिर यहां पे कोई और एलिमेंट है क्या बीच में, नहीं, तो इज इक्वल टू जीरो, ये हुई हमारी एक इक्वेशन, ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन काफी नहीं है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे, ओपन करते हैं इसको, 30 आई प्लस 20 माइनस 20 आई इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 30 आई माइनस 20 आई वन, इसको उधर भेज दो इज इक्वल टू, ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, उसको जैसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है करो, कोई डाउट, देखो अब हम पहले मैंने सॉरी ई डी सी एफ ई ले लिया, तो ये इस लूप के लिए हो गया लूप ई डी सी एफ ई, सेकंड कौन सा लूप है बच्चे बताओ, सर आप ले लो ए बी सी डी ई एफ सी बी ए
ये पूरा लूप ए बी डी ई ए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। चलो बच्चे ये लूप ले लिए, ये ए बी डी ई ए यहाँ। चलो बच्चे चलना चालू करें, कहाँ से चले, यहाँ से यहाँ चलूँ या यहाँ से यहाँ चलूँ? एक रुक जाओ बच्चे, मैं जिसे पूछूंगा बताएगा, आप बताओ बच्चे इनसे कहाँ से चलूँ, यहाँ से यहाँ चलूँ या यहाँ से यहाँ चलूँ? मतलब यू हाँ। चलो yes, देखो बच्चे मैं ए से बी जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे हो जाएगा। इधर देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, सबसे पहले क्या पड़ा मेरे सामने, बैटरी। क्या पड़ा? बैटरी। बैटरी में पॉजिटिविटी लेंगे नेगेटिविटी लेंगे? पॉजिटिविटी। क्यों बोलो? अच्छा हो रहा तो अच्छा होगा ना, क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव मतलब बुरे से अच्छे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये इसका इसका आई है, देखो करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ही इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है। फिर कोई एलिमेंट पड़ रहा है बीच में, बोलो नहीं पड़ रहा। फिर यहां पर आ गए आई इंटू आर, आई इंटू आर, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहे हैं। फिर आगे कोई एलिमेंट है, यहां एलिमेंट है नहीं, इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, 80 माइनस 20 आई वन माइनस 20 आई इज इक्वल टू नहीं माइनस 30 आई। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस 50 आई माइनस 20 आई वन, इसको उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, माइनस 80, माइनस से माइनस सब कट जाएगा, 50 आई प्लस 20 आई वन इज इक्वल टू 80। एक काम करते हैं बच्चे, इसको सॉल्व करो और बताओ क्या होगा जल्दी से आंसर। हरी इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे इधर देखो, हाँ देखो बच्चे इधर देखो बच्चों, अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, काफी इजी है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, कैसे, ये देखो ये माइनस 20 आई वन है और ये प्लस 20 आई वन है, ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, डायरेक्ट एलिमिनेशन, प्लस ऐड कर दो, ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 80 आई, ये कितना हो जाएगा, 60, जीरो से जीरो काट दो क्या हो जाएगा, ये 6/8 क्या हो जाएगा, 3/4 एम्पेयर, और आंसर आ जाएगा इससे जो करंट है वो क्या है, 3/4 एम्पेयर। देखो बच्चों अभी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है इसमें, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है किरचॉफ का, इसमें क्या है, द नेटवर्क पी क्यू आर एस शोन इन सर्किट डायग्राम हैज द बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, दो बैटरीज दे रखी हैं और उन बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन किया है, एक मिली एमीटर लगा हुआ है इधर जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और ये जो है पी और आर के बीच में लगा हुआ है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिली एमीटर, इस मिली एमीटर की रीडिंग निकालनी है। देखो अच्छे, मिली एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि मिली एमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना है। अगर आपसे कहा जाए कि मिली एमीटर की रीडिंग निकालनी है, इसका मतलब इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है। अब सबसे पहली बात यह कि इस क्वेश्चन में हमें करंट की डायरेक्शंस नहीं दी हुई हैं, तो हम क्या करें, हम अपने हिसाब से करंट की डायरेक्शन ले लेंगे। तो बच्चे सबकी अपनी अपनी चॉइस है, भाई मैं तो अपने हिसाब से लूंगा। देखो बच्चे मैं कैसे लूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो मैं तो अपने समझदारी से लूंगा, अपनी समझ से लूंगा ऐसा। इसको मैंने मान लिया आई, इसको मैंने मान लिया आई, या फिर आई वन मान लिया, चलो इसको मैंने मान लिया आई टू, इस ब्रांच में क्या हो गया आई टू। अब इसके थ्रू करंट क्या लूंगा मैं, अगर देखो बच्चे ये पॉइंट पी है, मान लो इसमें करंट एक्स है, ठीक है, मान लो मुझे नहीं पता अभी, इधर मैंने करंट इधर मान लिया, चलो इधर मान लिया एक्स, तो जितना आता है उतना जाता है, आ कौन कौन सा रहा है और जा कौन कौन सा रहा है, आ रहा है आई टू और जा रहा है एक्स प्लस आई वन, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टू माइनस आई वन। तो जिस हिसाब से मैंने कन्वेंशन माना है, इस वाली ब्रांच में करंट होगा आई टू माइनस आई वन, तो हमारे पास यहां पर कितने अननोन है बताओ भाई, कितने अननोन है, दो अननोन है, कौन कौन, आई वन और आई टू।
तो दो अननोन के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? दो. बट हमारे पास कितनी इक्वेशन बन सकती है? चार. तीन. क्योंकि लूप कितने है? तीन. एक ये लूप है, एक ये लूप है और एक ये लूप है, तो तीन इक्वेशन बन सकती है. बट हमको दो इक्वेशन चाहिए, तो अपनी मर्जी के मैं कोई भी दो लूप चूज करूंगा और उसके हिसाब से मैं इक्वेशन लूंगा. तो मुझे यहां पर कौन कौन सा लूप पसंद आ रहा है, मैं ऐसा लूप ढूंढूंगा जिसमें एलिमेंट कम हो, क्योंकि वो मुझे ज्यादा पसंद और मेरे पसंद का होगा, क्योंकि कम एलिमेंट होंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी. एक ये ले लेते हैं, इसमें तीन एलिमेंट है, एक दो तीन. पी एस आर पी लूप, पी एस आर पी. चलो बच्चे चालू करता हूं मैं चल रहा हूं यहां से, यहां से यहां चल रहा हूं. देखो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पड़ा बताओ जल्दी से. बैटरी पड़ी, एक मिनट रुक जाओ बच्चे. बैटरी पड़ी, बैटरी का वोल्टेज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन कन्वेंशन से लेंगे. अगर हम यहां देखें तो हम यहां नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब बुरे से अच्छा, तो वोल्टेज क्या लेंगे, प्लस फाइव लेंगे. ठीक है, फिर आगे बढ़े, कोई और एलिमेंट है नहीं, फिर यहां से यहां बढ़ेंगे, यहां से यहां बढ़े तो एक एलिमेंट पड़ा रजिस्टर. रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई इंटू आर. आई कितना है इस ब्रांच में, इस पूरी ब्रांच में करंट है आई वन. एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, जब पूछा जाए तो बोलना. आई वन इंटू आर कितना है, 200. अब बताओ बच्चे साइन क्या, क्यों बताओ, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए साइन क्या लेंगे, नेगेटिव. फिर हम आगे बढ़े बच्चों, यहां से यहां तक कोई और एलिमेंट है नहीं, फिर हम वापस लौटेंगे. अब कोई एलिमेंट पड़ रहा है यहां से यहां तक, कौन सा बच्चे बताओ, एमीटर. एमीटर बेसिकली एक रजिस्टर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एमीटर का खुद का भी क्या है, रेजिस्टेंस है, तो एमीटर को हम रजिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे. अब देखो बच्चे, इधर देखो बच्चे, तो यहां पे क्या लगेगा आई, इसके थ्रू करंट कितना है, इस ब्रांच में कितना करंट है, आई टू माइनस आई वन. रेजिस्टेंस कितना है इसका, 20. अच्छा अब बताओ बच्चे एक चीज बताओ बच्चे, मैं जब पूछूं तो बोलना बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग, जब मैं पूछा जाए तब बोलना. ठीक है, अब बताओ बच्चे साइन कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे, ये बताएगा, एक मिनट रुको, ये बताएगा शशांक, बताओ बच्चे इसका साइन क्या लेंगे. हम यहां से यहां जा रहे हैं, करंट अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. समझे बच्चे, एज पर साइन कन्वेंशन ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. फिर इस इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा बताओ बच्चे, अब बताओ, अब बोलो. 5 माइनस, जब मैं बोलने को कहता हूं हम लोग बोलते नहीं हो और वैसे बोलते, बताओ क्या होगा, 5 माइनस 200 I1. बोलो बच्चे बोलो, अब +20 I2 -20 I1 = 0. बोलो क्या हो जाएगा बच्चे, अब बोलो. हाँ, I1 +20 I2 +5 = 0. ठीक है बच्चे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा. कोई डाउट बच्चे किसी को, ठीक है बच्चे, आप इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हो. देखो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई. अब हमें सेकंड लूप लेना है, सेकंड लूप मैं ले लेता हूँ ये वाला, क्योंकि इसमें भी तीन एलिमेंट पड़ रहे हैं. अगर पूरा वाला लूप लूंगा तो उसके अंदर 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आ रहे हैं. ठीक है, तो मैं ये ले लेता हूँ इस लूप, ये लूप हो जाएगा PRQP. चलो बच्चे सबसे पहले जितना मैं पूछूंगा उतना ही बोलना है. यहां से यहां चल रहे हैं, मान लो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट पड़ेगा, ये मीटर पड़ेगा, एमीटर. ठीक है बच्चे, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर. अन्य जब मैं कह रहा हूं जब पूछे तो बोलना, आप मत बोलो बीच में. आई इंटू आर कितना है बच्चों, 20. क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर होता है. अब ये बताओ इसका साइन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, अब बोलो. नेगेटिव बताओ क्यों बच्चे, हम इधर जा रहे हैं करंट भी इधर जा रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो तो साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव. ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और कोई एलिमेंट पड़ा नहीं, फिर यहां से यहां बढ़ेंगे, एक एलिमेंट पड़ेगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर. आई इंटू आर क्या हो जाएगा, आई टू इंटू सिक्सटी. अब साइन बताओ बच्चे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा. क्यों, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, करंट भी नीचे जा रहे हैं, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है बच्चों, अब हम यहां बढ़े और कोई एलिमेंट पड़ा, ये एलिमेंट पड़ा. अब बताओ बच्चे, +4 या -4, बताओ बच्चे क्यों, नेगेटिव से पॉजिटिव,
पॉजिटिव होता है, मतलब अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे तो अच्छी बात है, इसलिए प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी आई टू प्लस ट्वेंटी आई वन माइनस सिक्सटी आई टू इज इक्वल टू माइनस फोर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वेंटी आई वन माइनस एट्टी आई टू इज इक्वल टू माइनस फोर। ये दो इक्वेशन है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, हम इसे किसी ना किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो मेरे को एलिमिनेशन मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो मैं एक काम करूंगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस टू ट्वेंटी है यहाँ पर, इधर देखो बच्चे, एलिमिनेशन मेथड मेरे को ज्यादा सूट करता है। यहां 220, अगर यहां 220 लाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 को सबसे, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा बच्चे बोलो, ये 220 आई वन, ये क्या हो जाएगा बताओ, 880 आई टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 44, ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 860 बोल, माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस 49। आई टू क्या हो जाएगा, 49 बाय 860। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, कोई नहीं, इसको उन्होंने फ्रैक्शन में छोड़ रखा है, आपकी मर्जी, हम देख लेंगे, रुक जाओ, आई टू आ गया, अब आई वन निकालते हैं। अब आई वन के लिए क्या करेंगे बच्चे बताओ, आई वन के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन, आइदर फर्स्ट में और सेकंड में, एक काम करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके पुट कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को चार से डिवाइड कर दो, अगर पूरी इक्वेशन को चार से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5i1 माइनस 16, नहीं, चार से डिवाइड करोगे 20i2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये आ जाएगा 5i1 माइनस 20i2, 20i2 की जगह क्या हो जाएगा, 49 बाय 860 इज इक्वल टू माइनस 1, 5i1 49 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 900, ये आ जाएगा, इधर देखो अच्छी, ये क्या हो जाएगा, माइनस 860 प्लस 980 बाय 860, क्या आ जाएगा, ये 120 बाय 860, क्या आ जाएगा, ये 12 बाय 86, क्या हो जाएगा, 6 बाय 43। अब देखो अच्छे सही है गलत, जैसा भी है ये आंसर मतलब हमारी तरफ से ये आ रहा है, ठीक है बच्चे बोलो क्या, 5, हाँ सॉरी सॉरी बच्चे 5 भी नीचे आ जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, आई वन क्या हो जाएगा, 6 बाय 43 इंटू 5 कितना होता है बोलो बच्चे, ठीक है, रुक जाओ बच्चों, कोई नहीं कोई नहीं, रुक जाओ, अब क्या करना है, ये आंसर ये सफिशिएंट है, नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, आई टू माइनस आई वन, क्योंकि हमें उससे उस ब्रांच से करंट चाहिए था जिसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कितना करंट था बोलो, कितना करंट था, I2 माइनस I1, इन दोनों को माइनस करके सॉल्व कर देना बच्चे, आ जाएगा, खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में।